बाइक एकदम रैप्चिक चीज है, लेकिन खर्चा इतना है कि इसलिए हम जैसा गरीब ही अफोर्ड कर सकते हैं। वेलकम गाइस टू अ न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। और आज हम एक मस्त सा ब्लॉग के साथ आ गए हैं, जो कि होने वाला है, एक डिलीवरी होने वाला है बाइक, जो कि आपको आगे जाने के बाद पता चलेगा। तो अब मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, एज यूजुअल हमेशा की तरह हम हो गए हैं लेट। लेट नहीं, काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि 3 बजे मेरे को बोले थे, अभी बजा है 4। मैं नहीं चाहता कि मैं इसे कहीं भैया के पास से गाली सुनूं। तुरंत चलते हैं दोस्तों, और मेरे को पता नहीं मैं हमेशा लेट कैसे हो जाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट अभी मेरे को सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉलेज के आने के बाद थोड़ा खा पी के नहा धो के आने में मेरे को थोड़ा वक्त लगता है। आज जो बाइक डिलीवरी होने वाला है, वो ऑफ रोडर बाइक भी बोल सकते हो। लेट नहीं करते हैं और जल्दी से चलते हैं। गजब, मतलब बाइक एकदम रैप्चिक चीज़ है, लेकिन खर्चा इतना है कि असली में हम जैसा गरीब ही अफोर्ड कर सकते हैं। जस्ट जो गाइस, आज इतना भीड़ क्यों है भाई? क्या कुछ चल रहा है? का बढ़िया चल रहा है। हिमालयन, ओ बेबी सेक्सी, मतलब हिमालयन को बोल रहा था दोस्तों, और कुछ मत समझ रहा। समझ रहे हो आप? मजा आ रहा है भाई, इस गाड़ी को जितना भगाओगे उतना मजा आएगा। कौन बोलता है भाई धीरे चलाओ? हम तो कभी भी धीरे नहीं चलाते। बस मिल गए भैया जी। कैसे? अच्छा भाई, अरे तो समय कौन लागिला ना लागिला ठीक है, तो समय कौन करिबा भाई जी? चंद्र चलो चलो, नो प्रॉब्लम दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे आगे चल रहा है क्लासिक 350। भैया ड्रैग ड्रैग ड्रैग। ओ चलो चलो चलो, हाँ आराम से चलो चलो चलो। भाई यूं चुटकी में बीट कर सकता है भाई, रॉयल एनफील्ड इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई। भाई स्पीड के मामले में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो भैया पिलियन के बैठा है अभी फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो पिलियन को बैठा है, और एक चीज़ है कि भारी वाइब्रेशन बहुत देता है 100 के बाद, तो इसलिए उसके साथ ड्राइव ऐसे ही मजाक में कर रहे थे। ऐसे कुछ मतलब सीरियसली मत लेना, लेकिन भैया बहुत ही मजाकिया है, अच्छा लगता है वैसे। मतलब एक दोस्त मिलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर भैया लोग सब भैया को नहीं मानते, अच्छा दोस्त मानते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस चलते हैं यार, और क्या बाकी सब बढ़िया। अगर आपको अभी तक भी मज़ा आ रहा है वीडियो ना, तो टिल देन आप देखिए लास्ट तक, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो आई होप। ओहो हो दोस्तों, कितना पॉल्यूशन भाई, इधर का ब्रिज का काम चल रहा है, और भाई ये जो बस गया ना, इतना उड़ाया कि मेरे मुँह के अंदर से घुस गया रेत वगैरह जो भी आप बोल सकते हो। गाइस बहुत दिक्कत होता है भाई, कटक में रहना कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत तकलीफ से कटक में रहा जाता है। मैं रहता था रेवेंशा में, मेरे को पता है। और गाइस अभी फिलहाल के लिए हम पहुंच गए हैं महानदी बिहार। गाइस ये देखो यार, हाँ हम घुस गए, और इधर से राइट टर्न लेने वाले हैं। और गाइस देख सकते हो ये सब हॉकी के लिए भी बनाया गया है। क्या भाई क्या लग रहे हैं बॉस, गजब गजब गजब। और फिलहाल के लिए हम पहुंच गए हैं अभी हीरो शोरूम। ये रहा कटक का हीरो शोरूम, नीचे रहा उसका सर्विस सेंटर, और ऊपर रहा शोरूम। अब देख सकते हैं ऊपर सब गाड़ी वगैरह है, डायरेक्ट मिलते हैं आपको ऊपर। अभी इधर फिलहाल के लिए आप देख सकते हो एनएच के साइड ही पूरा है, कि हम यू टर्न लेके इधर आए, मतलब आगे है भुवनेश्वर, पीछे रहेगा अपना जसपुर और बालेश्वर। तो गाइस लोकेशन तो आपको मालूम चल गया होगा। और दोस्तों अभी फिलहाल के लिए एक हमारे लिए कॉफ़ी आ गया है हीरो की तरफ से। भाई फ्री का कॉफ़ी मिल जाए तो और क्या चाहिए। अभी कॉफ़ी का एंजॉय करते हैं, कॉफ़ी में चेस कर रहे हैं। अब बंदा ये गलत बंदा है भाई। नहीं 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 नहीं, आपको मैं अभी थोड़ा सा टूर करा देता हूँ आपको। ये रहा
ग्लैमर, और अभी ग्लैमर का भाई देखो, ये भी ग्लैमर, सब ग्लैमर रहे तीन। और लेडीज सेक्शन है स्कूटी, हाँ ये स्कूटी का ये सेक्शन आप देख सकते हो, स्कूटर सेक्शन है भाई। हीरो क्या गजब निकाल रहा है भाई, 125 एज, क्या मिस्टर एज। हाँ भाई ये कब का, मतलब कब से नहीं देखा था, आज ही फिलहाल के लिए देख रहा हूँ। हीरो स्प्लेंडर है, बीच में तो ग्लैमर ही ग्लैमर। तो भाई और मेन चीज है उधर रखा हुआ है एक्सपल्स रखा हुआ है रहा एक्सपल्स, और उसके पास एक नया गाड़ी, क्या पैशन का एक्सटेक, क्या नया कुछ नया कुछ निकला होगा दोस्तों। कुछ इसी रहा, और इतना नहीं, आप अगर कुछ गाड़ी का अगर पहले से मतलब बुकिंग वगैरह रखते हो तो आपको ही ये दिला सकते हैं। मेरे आगे अभी आप देख सकते हैं ये रहा एक्सपल्स 200, और भाई क्या ये गाड़ी है भाई, लुक देखो यार। और अभी ये फिलहाल के लिए शोपीस पे है और इसको नीचे लगाया जाएगा। और फिलहाल के लिए मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ, अगर कुछ भी गाड़ी आप लेते हो तो ये जो शोपीस रहता है ना इसको लिया करो, क्योंकि भाई वो चुन चुन के अच्छा वाला जो गाड़ी होता है ना इधर ला के वो डिस्प्ले करते हैं। तो आप कभी भी गाड़ी लो तो इसको ले, क्योंकि इसमें डेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भाई अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। कुल मत सुनना आपको भी मिल रहा हो। गाड़ी टायर प्रोफाइल देखो यार, ऑफ रोड के लिए ही बना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इधर लिखा है 90/90, तो ये गाड़ी का टायर आगे वाला है, प्रोफाइल आप देख सकते हो कितना अच्छा है, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये है 90/90, और पीछे आई थिंक कि 130 ही होगा, ज़्यादा नहीं आपको दिखा रहा हूँ, 120 है गाइस, इधर से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा 120/80, और गाइस पीछे का प्रोफाइल तो आगे से भी और बड़ा लग रहा है, गाड़ी क्या लुक दे रही है बॉस। भाई कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको इस गाड़ी का रिव्यू वगैरह चाहिए कि नहीं, गाड़ी तो ओपी है। और आई होप कि आप भी सिनेमेटिक तो अच्छे से एंजॉय कर लिए होंगे। और ये रहे भैया, भैया जी थोड़ा सा ही तो गाड़ी आप क्यों मतलब एक्सपल्स ही चूज किए, थोड़ा सा बोल देंगे। टूरिंग अगर आपको पता नहीं तो अर्पित भैया है, उड़िया बाइकर है, आप पता होगा बहुत सारे को, तो वो भैया है अर्पित भैया, उनके बारे में बोल रहे हैं, उनसे इंस्पायर होके लिए हैं। तो टैग करो अर्पित भैया को, और गाइस कमेंट सेक्शन में जाके बोलना गाड़ी आपको कैसा लगा। और भैया तो भाई बहुत खुश है, और इतने खुशी हूँ कोई बात नहीं। तो हेलो दोस्तों, आके हम अभी नीचे उनका सर्विसिंग सेंटर उधर पहुँच गए हैं, और फिलहाल के लिए देख सकते हो मेरे पीछे अभी बहुत सारे गाड़ी है, इधर ही मतलब सब तैयार वगैरह होता है। और गाइस आपको दिखाते हैं फिलहाल के लिए, और आपको मीटर कंसोल के बारे में अगर बताऊँ तो ये रहा कुछ इस टाइप का। गाइस इस गाड़ी का अगर रिव्यू वगैरह चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना, और भैया के पास लेके हम इस गाड़ी का भी रिव्यू कर देंगे। और ये रहा उसका टॉप एग्जॉस्ट वगैरह, तो इतना ऊपर इसलिए दिया गया है क्योंकि पानी वगैरह अगर इस साइड आ जाए तो ये टू व्हीलर तो ऑफ रोडिंग के लिए ये अच्छा है। और गाड़ी का आगे देखो भाई, इतना मतलब गेट है देखो ये चीज़, तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई गाड़ी क्या है, मतलब कितना स्टीप होने वाला है। और मैं आपको चढ़ के भी बैठ के भी दिखाऊंगा ये गाड़ी कितना ऊपर है दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए आप देखने वाले हो मेरे मतलब पैर कितना तक आता है, मैं अभी हूँ 5'6" का, और मेरा पैर देखिए थोड़ा सा नीचे नीचे लग रहा है, लेकिन भाई ड्राइविंग मैटर करता है और स्किल मैटर करता है, हाइट नहीं। तो फिलहाल के लिए इसको कभी राइड करेंगे तो आप कमेंट में जरूर से बताना इसका रिव्यू किया जाए कि नहीं। तो दोस्तों देखिए ग्राउंड क्लियरेंस कितना है भाई, क्या ही बोले, देखिए देख सकते हैं मेरे में इधर से मतलब मेरा हाथ पूरा नीचे नहीं आ रहा है, लगभग लगभग 180 के ऊपर ही होगा ग्राउंड क्लियरेंस। फ्रंट तो ABS के साथ ये आता है, और पीछे तो ABS नहीं होगा शायद, आई थिंक
जी हाँ, पीछे एबीएस इसका नहीं है और गाड़ी भाई बहुत ही बढ़िया है। अब तो दोस्तों कमेंट करके बोलना आपको ब्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था और सिनेमेटिक कैसा लगा आपको बताना, और गाड़ी का रिव्यू करें या नहीं करें कमेंट में जरूर से बोल देना है। अगर आप कमेंट करते हैं और लाइक एम रखता हूँ मैं 50, ठीक है 50 लाइक एम रखता हूँ, अगर लाइक एम कम्प्लीट कर देते हैं तो गाड़ी का एक अच्छा वाला ब्लॉग आएगा आपके पास। तो गाइस मिलते हैं और नेक्स्ट एक ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, राइड हैड राइट से।